वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके रहने वाला है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं नए कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए। बिकॉज मैंने प्रीवियसली काफी सारे फोटोग्राफ्स में कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है तो लोगों ने पूछा है कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे खरीदना, कहाँ से खरीदना एंड ऑल। तो मैंने एक मेन चैनल पर वीडियो बनाया था कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे पहनना और उसको अच्छे से मेंटेन कैसे करना। तो आज चलते एक नए शेड के मैंने कॉन्टैक्ट लेंस मंगाए हुए हैं, तो आप लोग देखना और मुझे बताना मैं कैसा दिख रहा हूँ। और जेजे का भी शूट होने वाला है, जेजे अभी काफी रिप्ड हो गया है, एकदम कम्प्लीटली लीन सिक्स पैक इस पैक आ गया है। तो इसका व्लॉग तो हम लोग बनाएंगे इसका जब भी शूट रहेगा। तो जेजे ने भी ऑर्डर किया हुआ है एक कॉन्टैक्ट लेंस, तो मेरे स्टोर के बाजू में ही एक स्टोर है जहां पर बहुत अमेजिंग कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है। और भैया भी बताएंगे आपको कि सही तरीका क्या है मेंटेन करने का कॉन्टैक्ट लेंस और कितने टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, जिससे अगर आपको भी परचेस करना है तो आप जाके उनसे मिल सकते हैं और उनसे सजेशन भी ले सकते हैं कि कैसे कैसे टाइप का, और अगर आप पहली बार भी पहन रहे हैं तो कैसे पहनना, बिकॉज मुझे उन्होंने ही सिखाया हुआ था कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे पहनना। और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर फोटो शूट है तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बहुत अमेजिंग लगता है। तो डायरेक्ट चलते हैं स्टोर के बाजू वाले स्टोर में और परचेस करते हैं नया कॉन्टैक्ट लेंस। तो गाइस मैं आ गया हूँ आई केयर के स्टोर में जो है ऋषभ भैया का। मैं जब भी कॉन्टैक्ट लेंस परचेस करता हूँ तो भैया के पास ही खरीदता हूँ। तो भैया का नंबर और जो स्टोर का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आके परचेस कर सकते हैं भैया के पास, और मेरा नाम बताएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, है कि नहीं भैया? मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा भैया, थोड़ा सा प्रिकॉशन बता देंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे चूज करना है या कौन से ब्रांड्स के लेने का? देखिए, ब्रांड का एक सच ये नहीं है, सिर्फ वाटर कंटेंट जिसका सबसे ज्यादा हो वो सबसे अच्छा रहता अच्छा, है वाटर कंटेंट। अच्छा, और एक पिछले बार आपने बताया था कि जब भी नया लेंस ट्राई करना है तो फर्स्टली 20 मिनट्स मिनिमम 20 मिनट्स लेंस को सॉल्यूशन में रखिए, डायरेक्टली ट्राई नहीं कीजिए। 99.99% डॉक्टर को भी ये चीज पता नहीं और ये ऑप्टिकल्स को भी पता नहीं है। अच्छा, तो हम लोग नया लेंस जो मैंने हेजल का मंगाया हुआ है और जीजे के लिए ग्रे कलर का जो मैं हमेशा पहनता हूँ, तो शायद मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहले 20 मिनट्स इसको ओपन करके रखेंगे और फिर आपको पहन करके दिखाऊंगा, बिकॉज भैया ने मुझे सिखाया हुआ था। और अगर आपको भी नहीं पता कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे पहनते हैं तो भैया को आगे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो अच्छे से आपको समझा भी देंगे। और जितने भी इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज है, साथ में ग्लेयर्स है, स्पेक्स भी आपको चाहिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाती है, तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा इनका स्टोर में। मैं आपको स्टोर का एक बार लुक दिखा देता हूँ। तो गाइस, जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस परचेस कर रहे हैं ना, तो एक बार वाटर कंटेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे एक जो कंटेंट रहता है इसमें पॉलीहेमा रहता है और दूसरा जो रहता है वाटर कंटेंट रहता है, तो इसमें 43% वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इस वजह से ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मेरा जो कलर नया आया हुआ है ये है हेजल कलर, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको डिप करके रखते हैं और आपको पहन के भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है मेरे ऊपर। पहले जो लेंस का केस रहेगा उसको अच्छे से आपके हैंड जो रहते हैं वो पहले आप वॉश कर लीजिएगा, लेंस के केस को अच्छे से ओपन कर लीजिए, और जो सॉल्यूशन आता है अलग से भी मिलता है आपको परचेस करने के लिए, तो उसको क्या करना है, सॉल्यूशन को इसमें आपको डाल देना अच्छे से और एकदम टॉप अप करके रखिएगा। भैया ने बताया था कि एकदम फुल होना चाहिए हमेशा सॉल्यूशन, कम नहीं होना चाहिए। तो ये जब आपका फुल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, जो लेंसेज आपके नए वाले आपने परचेस किए हुए हैं इसको डायरेक्ट आपको नहीं पहनना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा लाइक जो मेन चैनल के लिए वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट आपको नहीं पहनना है। तो लेंसेज कुछ ऐसे पॉली पैक में आते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है अच्छे से, ठीक है? अभी इसको डिप करके रखना है आपको और इसको पैक करके आप 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर आपको मैं पहन के भी दिखाऊंगा। तो एक हो गया, अभी दूसरा भी करते हैं हम लोग। तो ये मेरे लेंसेस डिप हो गया है सॉल्यूशन में, तो इसके लिए हम लोग 20 मिनट्स वेट करेंगे और फिर आपको मैं पहन के दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मेरे 20 मिनट्स हो गए, तो लेंस को हम लोग निकालते हैं और ये नया एकदम लेंस है हेजल कलर का, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा। तो इसको आपको लेके फिंगर टिप पे रखना है आपको ऐसे, वेरी गुड, बस हाथ निकाल दीजिए, वेरी गुड।
ये भैया ने मुझे सिखाया हुआ है कि कैसे कैसे पहनना है, तो मैं आजकल जल्दी जल्दी सीख गया हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ जाती है। तो आपको एकदम फिंगर के टिप पे रखना है और एकदम ओवल शेप में रहना चाहिए ये, तभी जाके आपको प्रॉपर तरीके से स्टिक होगा आपका लेंस। और एक बार जब आपका लग जाए तो आंखों को एक बार रोटेट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका लेंस अच्छे से फिक्स हो जाए। तो भैया ने मुझे ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए थे, तो एक बार जे अच्छे से फोटो ले ले, मतलब आई मीन टू से दिखा दे कि कैसा दिख रहा है लाइट। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी आईज कैसी दिख रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्रे कलर ज्यादा सूट करता है या फिर जो हेजल कलर मैंने नया लिया हुआ है। मुझे तो ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और मेरे फोटोग्राफ्स में बहुत अमेजिंग लगेगा। तो आपको भी कभी भी स्पेशल कहीं पर जाना है या आपको स्पेशल दिखना है फोटोग्राफ्स में या वीडियो में, तो जरूर एक बार कॉन्टैक्ट लेंस यूज करिएगा। बिकॉज मैंने जितने भी वीडियोज एंड फोटोज में कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं, मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन मिला हुआ है। और भैया के पास ही आके आप लोग परचेस करिएगा, बिकॉज भैया को बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको समझा के भी देंगे। अब ट्राई करते हैं कि जेजे के ऊपर कैसा लगता है, बिकॉज जेजे को भी ट्राई कराएंगे और भैया ही सिखाएंगे जेजे को भी कि कैसे पहनना है। तो गाइस मेरा कॉन्टैक्ट लेंस तो सेट हो गया, आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग। अभी जेजे की बारी है, बिकॉज ये पहली बार कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है, तो ऋषभ भैया आज सिखाएंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है जेजे को, बिकॉज इसको पहनना है। और मैंने इसको बोला दो तीन दिन पहले परचेस कर ले जब भी शूट रहेगा, ताकि कंफर्टेबल हो जाए। तो अच्छे से देखते ही कैसे होता है। ये जो आपका ब्लिंकिंग है वो अपने आप फिर रुक जाता है। दोनों आईज खुली रखना है आपको, स्टेयर्स के पास देखना है, स्टेयर्स के पास बंद मत कर, नीचे देखो, बंद कर, लग गया। इतना आसान है, अरे दूसरा बचा हुआ है अभी। अरे पहली बार ऐसा होता है थोड़ा सा, लेकिन घबराने की बात नहीं होती। आग बड़ी कर और स्टेयर के पास देखना भाई, मेरे से ना हो रहा। और भैया इतने अच्छे से सिखा देंगे ना आपको कि एक बार में आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाना सीख जाओगे। अरे आएगा है, वो नेचुरल है। आप चाह कर भी रोक नहीं पाओगे, ना डॉक्टर रोक पाएगा। और स्टेयर खुली रख, स्टेयर के पास देखो, नोज की तरफ देखो, नीचे देखो, आग खुली करो, आपकी लेफ्ट हैंड खुली करो, नीचे देखो, पूरा नोज की तरफ देखो, उधर की आप खोलो, नीचे देखो, आप मेरे फिंगर के पास, नोज की तरफ, तेरा नोज कहाँ है, नीचे उधर, वो मिरर की तरफ देखो, उधर का, यस, ऊपर देखो, नीचे देखो, हल्का, ये पहली बार थोड़ा सा पानी आएगा तो टेंशन की बात, देखिए आगे देख, इधर देख एक बार, एक बार दिखा तो सही यार, क्या अल्टीमेट दिख रहा है। जे बहुत सुंदर दिख रहा है तू, जे कैसा लग रहा है, कुछ भी मूड नहीं है उसकी, आंखें जल रही है, डर रहा है पहली बार, बट ये कॉमन चीज है, सबको ऐसा होता है। मैं रो नहीं रहा हूँ, सबसे पहले रो नहीं रहा, ये आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से ऐसा होता है, तो आप लोगों भी घबराने की बात नहीं है। और भैया आपको अच्छे से समझा देंगे कि कैसे लगाने का है, तो आप लोग आराम से सीख जाएंगे। जेजे दिखा एक बार, आंख बहुत अमेजिंग दिख रही है तेरी, आंखें बहुत सुंदर दिख रहा है तू, नेचुरल। पहली बार अगर आप लेंस परचेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करेगा, तो सेफर साइड में ग्रे कलर सबके ऊपर सूट करता है। बिकॉज मैं भी भैया के पास आया था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा कलर लेना चाहिए, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि सेफर साइड में चलते हैं। अब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने हेजल कलर लिया, और ये भी शायद मेरे फेस पे उतना बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। वो तो आप लोग फोटोग्राफ जब इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो गाइस बहुत मजा आया नया लेंसेज पहन के, और शायद मैं बहुत अमेजिंग दिख रहा हूँ, और जेजे भी बहुत सुंदर दिख रहा था, उसकी आंखें एकदम फॉरेनर टाइप की दिख रही थी, और मुझे ऐसा एक ही वर्ड आया कि वो ब्यूटीफुल लग रहा था, हॉट एंड हैंडसम नहीं बोलूंगा, ब्यूटीफुल लग रहा था। एनीवेज अगर आप लोगों को चाहिए तो एक बार जरूर विजिट करिएगा ऋषभ भैया के स्टोर पे, बिकॉज ये बहुत अच्छे से समझा के देते हैं, और मुझे भी लगाना नहीं आता था कॉन्टैक्ट लेंस, तो सारी चीजें भैया ने ही सिखाया हुआ है। तो भैया का नंबर एंड जो स्टोर का एड्रेस रहेगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग एक बार आके जरूर विजिट करिएगा अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है और अच्छा दिखना है। बिकॉज मैंने इसका एक स्पेसिफिक वीडियो मेन चैनल पे भी अपलोड करके रखा हो कि कैसे केयर करना एंड कैसे पहनना, तो वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज वीडियो को यही खत्म करते हैं, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।